नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की ये वीडियो होने वाली है सेकंड स्पेशल कट ऑफ लिस्ट के ऊपर, और हम जानेंगे कि आप सेकंड स्पेशल कट ऑफ लिस्ट के अंदर अप्लाई कैसे कर सकते हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेकंड स्पेशल कट ऑफ लिस्ट आपकी 26 सितंबर को जारी की गई है, और ये आपकी लास्ट कट ऑफ लिस्ट है। इसके बाद कोई भी कट ऑफ लिस्ट नहीं आने वाली है, और काफी सारे कॉलेज के एडमिशन अब तक क्लोज हो चुके हैं, तो आपके पास ये लास्ट चांस है कॉलेज के अंदर अप्लाई करने का। तो देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको, हाँ उससे पहले एक मिनट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। ये आपका पोर्टल है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी होगी। मेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करना होगा, और उसके बाद आपको यह कैप्चा कोड टाइप करना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन शो होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है एडमिशन ओपन अंडर NCWEB सेकंड स्पेशल कट ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पर आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। काफी बच्चे सुबह से परेशान थे कि अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो देखिए अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई इन NCWEB कॉलेजेस। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट कोर्स का। यहाँ पर आपको आपका कोर्स सिलेक्ट करना है कि आपको किस कोर्स के अंदर अप्लाई करना है। हमें अप्लाई करना है BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और एक बात और, कोर्स सिलेक्ट करने से पहले और कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले अपनी कट ऑफ जरूर चेक करें। तो पहले कट ऑफ चेक कर लेते हैं। देखिए ये रही आपकी 5th कट ऑफ लिस्ट। तो जिस बच्चे का फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूँ, उस बच्चे की परसेंटेज है 45 और बच्चे की कैटेगरी है जनरल। इस बच्चे ने काफ़ी वेट किया है क्योंकि बच्चे के नंबर कम थे, तो कट ऑफ मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आदित्य महाविद्यालय के अंदर 45% की कट ऑफ लिस्ट है, और बाकी सब में क्लोज हो चुके हैं। और तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पर जनरल कैटेगरी 45% आदित्य महाविद्यालय, हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको आना है वापस साइट के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। कोर्स था हमारा BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। तो आप लिस्ट में देखोगे मिल जाएगा आपको। देखो ये रहा BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, आपको इस पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको दिखेंगे कॉलेज के नाम सिलेक्ट करने के ऑप्शंस। तो यहाँ लिखा है द कोर्स इज अवेलेबल इन फॉलोइंग कॉलेजेस, सिलेक्ट द कोर्स टू सी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। तो हमने यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट कर लिया है, तो हमको यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कॉलेज पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको सभी कॉलेज के नाम शो हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉलेज के नाम शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अप्लाई कहीं भी कर सकते हो। आप कहीं आप सोचो कि एडमिशन तो क्लोज हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलेज के नाम शो हो रहे हैं, तो मतलब कि अभी सीट खाली है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से अप्लाई करना है, कट ऑफ चेक करके ही अप्लाई करना है। हमारी कट ऑफ मैच हो रही है आदित्य महाविद्यालय के अंदर, तो हम साइड पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे आदित्य महाविद्यालय कॉलेज। देखिए ये रहा आदित्य महाविद्यालय वुमेन्स कॉलेज, हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा कॉलेज सिलेक्ट हो गया है और हमारा कोर्स भी सिलेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार बड़ी ही आसानी से आपको कॉलेज का नाम और कोर्स का नाम सिलेक्ट करना होता है, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशंस हैं जिस पे आपको सब पे टिक करना होगा, बिना टिक करे आप आगे नहीं जा सकते। तो सब पे टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है नोट के अंदर। आवेदक को केवल एक पाठ्यक्रम और एक कॉलेज चुनने की अनुमति है, यानी कि आप सिर्फ एक ही कॉलेज और एक ही कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। काफी बच्चे बोलते हैं कि क्या सर हम एक से ज्यादा कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते, यहाँ बताया गया है आपको। और देखिए यहाँ बताया गया है कि सबमिट करने के बाद आप फॉर्म में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर पाओगे। तो अप्लाई करने से पहले एक बार दोबारा चेक कर लेना आपने सही कोर्स के अंदर और सही कॉलेज के अंदर अप्लाई किया है या नहीं किया है, ठीक है। आपको कन्फर्म हो गया, इसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर आप सभी डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म के लिए एक पॉपअप शो होगा, आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। ये आपको कंफर्म करवा रहा है कि आप श्योर हो ना। अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई दिक्कत है, तो कैंसिल पे क्लिक करके ठीक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप श्योर हो 100%, तो यहाँ पर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे शो हो गया है कोर्स सक्सेसफुली सिलेक्टेड इन आदित्य महाविद्यालय वुमेन्स। तो यहाँ पर आपने कोर्स सिलेक्ट कर लिया है, कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर योर एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हैं आप रेफरेंस आईडी शो होगी, आपका कोर्स जो आपने सिलेक्ट किया है, और आपका कॉलेज जिस कॉलेज के अंदर आपने अप्लाई किया है वो आपको शो होगा। और उसके बाद है कट ऑफ, यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने 5वीं कट ऑफ के अंदर अप्लाई किया है। और उसके बाद है एप्लीकेशन डेट, तो यहाँ पर आपको आज की डेट और आपका टाइम शो होगा। और उसके बाद है एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन शो होगा। कई बच्चे परेशान रहते हैं कि हमारा अभी तक पेंडिंग में है, हमारा अभी तक न्यू एप्लीकेशन है, तो आप वेट कीजिए, सब कुछ क्या है डेट वाइज होता है।
तो जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन अप्रूव शो हो जाएगा और यहाँ पर यूजर एक्शंस के अंदर आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको आपकी एप्लीकेशन देखनी है तो यहाँ पर आप व्यू पे क्लिक कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉलेज मार्क का ऑप्शन है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर पता कैसे लगेगा कि कॉलेज ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अप्रूव हुआ है। तो आपको यहाँ पर कॉलेज मार्क के सामने आपको शो हो जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट है और रिजेक्ट है तो क्यों है, आपको यहाँ पर रीजन शो हो जाएगा। और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो यहाँ पर आपको कॉलेज मार्क्स के अंदर अप्रूव शो हो जाएगा और एक्शन के अंदर भी आपको अप्रूव शो हो जाएगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद ही आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था अप्लाई करने का। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।